नेक्स्ट इज इंडिया अंडर कॉलोनियल रूल, मतलब इंडिया के अंदर जब कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो किस तरह से पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल कल्चरल डेवलपमेंट्स हुए। फर्स्टली वी रीड अबाउट द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। सिंस इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल लार्ज एंड स्मॉल किंगडम्स एंड प्रोविंसेस इन 1757 फॉर ओवर नेक्स्ट 190 ईयर्स द ब्रिटिश इस्टेब्लिश दियर डायरेक्ट रूल ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया। सिंस इंडिया मीन्स इंडिया जो है फर्स्टली डिवाइड बहुत सारे लार्ज स्मॉल किंगडम्स और प्रोविंसेस में डिवाइड हुई 1757 में। फॉर ओवर नेक्स्ट 190 ईयर्स, मतलब उसके बाद से 190 ईयर्स तक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने डायरेक्ट रूल किया जो भी लार्ज पार्ट्स थे इंडिया के, जिन्हें और वो एरिया जिनको उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी बनाया। एंड अ स्ट्रॉन्ग इनडायरेक्ट रूल, और वो ओवर लोकल किंगडम्स दैट वर कॉल्ड द प्रिंसली स्टेट्स। अब कुछ ऐसे भी एरिया थे जहां पर किंग रूल्ड करते थे, बट वो किंग जो है डायरेक्टली अपने हाथ में पावर ना रख के ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर वर्क करते थे, जिन्हें प्रिंसली स्टेट्स कॉल किया गया। मतलब इनडायरेक्टली उन किंग का रूल था उन किंगडम्स पर, लेकिन मेन पावर जो थी वो किसकी थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट की। और इन एरिया को प्रिंसली स्टेट्स की कहा गया, जहां जहां पर इनडायरेक्ट रूल था किंगडम किंग्स का। ब्रिटिश एस्टैब्लिश अ स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल एंड मिलिट्री स्ट्रक्चर थ्रू विच दे रूल्ड। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन्होंने एक इस तरह के मतलब स्ट्रॉन्ग एक कॉन्स्टिट्यूशनल अपना खुद का उन्होंने फॉर्म किया, और जिसके थ्रू वो पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव को या लीगल और मिलिट्री सभी को अपने अकॉर्डिंग वहां पर रूल कर सके, मतलब अपने अकॉर्डिंग उनको रन कर सकें। द मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट दैट फोर्स देयर इंस्टीट्यूशन गो टॉपसी टर्वी वॉज द ऑर्गेनाइज ऑपोजिशन टू ब्रिटिश बाय द इंडियंस। मतलब यहाँ पर एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ दैट फोर्स देयर इंस्टीट्यूशन, जिनकी वजह से कुछ इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन्हें कुछ एक न्यू शेप मिली। रीशफलिंग टॉपसी टर्वी मीन्स उलट पुलट या अस्त व्यस्त टाइप वॉज द ऑर्गेनाइज ऑपोजिशन टू ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश के अगेंस्ट उनके अपोजिट जो इंडियंस थे उन्होंने एक इस तरह के इंस्टीट्यूशन ओपन किए, स्पीयर हेडेड बाय द लोकल जमींदार, जो कि किसके थ्रू हेडेड किए गए थे? लोकल जमींदार, पीसेंट, सिपोए एंड द ट्राइबल, विच बिकेम मोर ऑर्गेनाइज्ड अंडर इंग्लिश एजुकेटेड पीपल एंड वर कलेक्टिवली कॉल्ड नेशनलिस्ट। मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उनके रूल रेगुलेशन के अगेंस्ट खड़े हुए उन्हें नेशनलिस्ट कॉल किया गया, मतलब जो अपने राष्ट्र के लिए आगे फ्रीडम चाहते थे या अपने इंडियंस के थ्रू ही रूल चाहते थे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। लैंड रिवेन्यू वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो जो लैंड रिवेन्यू था वो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। लैंड रिवेन्यू मतलब लैंड पर लिया जाने वाला जो भी टैक्स था उससे ही गवर्नमेंट की अर्निंग होती थी। जनरली दिस रिवेन्यू वॉज फिक्स्ड एट अ वेरी हाई रेट बाय द ब्रिटिश। अब ब्रिटिश के थ्रू जो ये रिवेन्यू टैक्स मतलब सेटअप किया गया था, डिसाइड किया गया था, फिक्स किया गया था, वो बहुत ही हाई था। इनिशियली स्पाइसेस, मसलिन, कैलिको, जूट एटसेट्रा वर टेकन फ्रॉम इंडिया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो उन्हें इंडिया से, जैसे स्पाइसेस हो गया, मसलिन हो गया, कैलिको, ये फैब्रिक थे कपड़े के, क्लोथ्स के, इन सभी को अपने ब्रिटेन में लेकर जाती और वहां सेल कर देती, क्योंकि ये उन्हें यहां से एक रॉ मटेरियल मिल रहा था अपने कोई भी मतलब क्लोथ्स को
मैन्युफैक्चर करने के लिए, बट कॉलोनाइजेशन फोर्स द फार्मर टू कल्टिवेट इवन अफीम और फॉर द बेनिफिट ऑफ इंग्लैंड। लेकिन यहाँ पर जो कॉलोनाइजेशन गवर्नमेंट थी उन्होंने फार्मर्स को फोर्स किया, मतलब उन्हें जबरदस्ती, मतलब उनको फोर्स किया कि वो यहाँ पर अफीम की कल्टिवेशन करें। इसका बेनिफिट जो है इंग्लैंड को मिल सकता था, विच वॉज एक्सपोर्टेड टू चाइना इन लियू ऑफ टी। अब इसका जो फायदा था उसका सारा, मतलब जो इंग्लैंड है इन अफीम को चाइना एक्सपोर्ट कर सकता था, जिससे उसे बेनिफिट होता इन लियू ऑफ टी। टी की जो फसल होती है या टी लीव्स होती हैं उनकी भी उसमें वहाँ बेनिफिट उनको मिल सकता था, उसके एक्सपोर्ट में भी। द रॉ मटेरियल टेकन फ्रॉम इंडिया वॉज फिनिश्ड इन ब्रिटिश फैक्ट्रीज इन स्कॉटलैंड एंड मैनचेस्टर एंड ब्रॉट बैक टू इंडियन मार्केट्स फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग दैम एट हाई रेट्स। अब यहाँ से जो ब्रिटिश थे वो इंडिया से मतलब रॉ मटेरियल ले जाते और फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो स्कॉटलैंड और मैनचेस्टर की जो फैक्ट्रीज थी वहां पर उनको बनाकर इंडियन मार्केट्स में सेल कर देते। मतलब रॉ मटेरियल यहाँ से उनको चीप रेट पर मिल जाता, फिर अपने कंट्रीज में मतलब स्कॉटलैंड और मैनचेस्टर में वहाँ जो उन्होंने फैक्ट्री सेटअप की हुई थी वहाँ उनको तैयार कराकर उस प्रिपेयर माल को, प्रोडक्ट को अब इंडिया की मार्केट्स में दोबारा यहाँ लाकर हाई रेट पर सेल कर देते। इन अ नटशेल देवर एक्सप्लॉयटिंग इंडिया लेबर एंड इकोनॉमी टू द ऑप्टिमम। अब इसकी वजह से मतलब इस तरह के मतलब यहाँ पर इंडियन जो थे उनका एक्सप्लॉयटिंग, मतलब उनका यहाँ के लेबर्स का और यहाँ की इकोनॉमी का शोषण होने लगा। मतलब अब यहाँ के जो लेबर थे उन्हें खाली बैठना पड़ा, क्योंकि यहाँ का रॉ मटेरियल तो ब्रिटेन में अपने फैक्ट्रीज के थ्रू उसको प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने के लिए या उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए वहाँ लेकर जाने लगे। अब जिसकी वजह से इंडिया के जो लेबर थे वो खाली बैठने लगे, क्योंकि जो वर्क अब पहले मैन्युअली होता था, बाय हैंड होता था, अब वो इंडस्ट्रीज के थ्रू मशीनों में के थ्रू होने लगा, जिसकी वजह से इंडिया की जो इकोनॉमी है वो भी डाउन हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रेडिशनल कॉटेज इंडस्ट्रीज लाइक वीविंग, ब्रास वर्क, आयरन स्मेल्टिंग, पोटरी एटसेट्रा फेस्ड अ मैसिव सेटबैक ड्यू टू द फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय इंग्लैंड। अब इसके अलावा जो भी इंडिया में ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक जो भी कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, छोटे मोटे घरों में इंडस्ट्रीज सेटअप की हुई थी, लोग अपने घरों में ही छोटे मोटे जो वर्क करते थे, जैसे वीविंग वीवर हो गए या ब्रास का वर्क करने वाले या आयरन स्मेल्टिंग के या पोटरी बनाने वाले, ये सभी जो है अब खाली रहने लगे, जिसकी वजह से ड्यू टू द फिनिश गुड्स प्रोड्यूस बाय इंग्लैंड। अब ये जो वर्क करते थे ये इंग्लैंड की फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज में होने लगा, जिसकी वजह से अब इनका जो वर्क था वो सारा डाउन हो गया और ट्रेडिशनली जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी वो सभी डाउन हो गई, मतलब उनका जो भी इकोनॉमी थी वो सभी डिस्ट्रॉय हो गई। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल रीड अबाउट द सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स।